हम लोग देखे थे सबसे पहले क्या रिएक्शन विद HCN, अब हम लोग आज दूसरा देखेंगे, दो नंबर रिएक्शन। ये कार्बोनिल कंपाउंड का चल रहे थे तो रिएक्शन विद हम लोग NHSO3 ये देखेंगे हम लोग। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देखेंगे इसको। तो NHSO3 में क्या, जब रिएक्शन करेगा कार्बोनिल कंपाउंड, देख लेते हैं इससे, तो व्हाइट क्रिस्टल देता है, यानी सी डबल बॉन्ड ओ सी। कार्बोनिल कंपाउंड किससे रिएक्शन किया देखें, यहाँ पे NaHSO3, ये Na, तो यहाँ पे क्या देता है पहले समझ जाए, एक साइड OH और दूसरे साइड SO3 Na। अब ये व्हाइट क्रिस्टल हो गया, व्हाइट क्रिस्टल, तो ये तो हम लिख दिए, लेकिन इसका मैकेनिज्म तो बताए नहीं, तो अब हम लोग इसका मैकेनिज्म देखते हैं और मैकेनिज्म से सब समझ जाएंगे। मैकेनिज्म और मैकेनिज्म से हम लोग आसानी से इसको समझ जाएंगे, क्या समझेंगे देख लेते हैं। इधर सबसे पहले हम लोग यहाँ देखते हैं NaSOHSO3 तोड़े तो सबसे पहले क्या टूटा, एक Na प्लस हम लोग के पास आ गया, दूसरा आ गया SO3H और माइनस, यानी HSO3- ये न्यूक्लियोफाइल है, एक बार और टूटेगा ये देखे तब क्या हो जाएगा, H प्लस और SO3 और इस बार -2, चूंकि एक पहले से था और एक इस बार आ गया तो -2, इसी को हम लोग कहते हैं न्यूक्लियोफाइल कौन, माइनस वाला। अब यहां पे अटैक कराएंगे हम लोग, देखे इधर सी डबल बॉन्ड ओ, ये यहां पे सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल कंपाउंड, तो SO3- आया, SO3-2 दो है, एक नहीं दो है, तो सबसे पहले ये क्या करेगा, ये बॉन्ड टूटेगा इस पे जाएगा, तो इस ऑक्सीजन पे माइनस हो जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे प्लस, तो ये माइनस वाला अटैक कर दिया यहाँ पे, थोड़ा सा देखें इसको, तो यहाँ पे जो बनेगा क्या बनेगा, ओ पे माइनस ये वाला, ये प्लस, तो यहाँ पे कौन आ गया SO3 माइनस, इसलिए कि -2 था और एक प्लस यहाँ पे था, तो एक माइनस एक प्लस एक बॉन्ड बना लिया, ये एक माइनस तो है और यहाँ पे ये वाला हो गया। अब इस पे दूसरा अटैक करेगा H प्लस ये वाला, तो ये यहाँ पे अटैक किया, तो यहाँ पे क्या बनाएगा आप लोग देखें इधर, ये OH ये, और इधर बना SO3-। अब इस पे कौन अटैक करेगा, Na प्लस, इसको हम अच्छा से थोड़ा सा बड़ा लिख देते हैं, Na प्लस कहाँ पे अटैक करेगा, इस SO3- पे, तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बनेगा वो यहाँ से आप लोग को दिख रहा होगा, एक OH इधर और यहाँ पे SO3Na, यही है व्हाइट क्रिस्टल, आपको आ गया। अब इस पर हम लोग एग्जांपल डिफरेंट कर सकते हैं, अब देखें यहाँ जैसे एग्जांपल हम लोग कर रहे हैं यहाँ, तो एक एग्जांपल ले लिए हम लोग यहाँ पे, अब देखें H सी डबल बॉन्ड ओ H, अब इसका रिएक्शन किससे कराएं, तो NaHSO3 तो बन जाएगा, ये बन गया हम लोग का H OH H और SO3 Na। इसी तरह देख लें और कुछ एग्जांपल करके, CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटाल्डिहाइड और दूसरा CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3 ये कीटोन, क्या बन गया एसीटोन और ये एसिटाल्डिहाइड, तो ये दोनों हम लोग देख लिए एसिटाल्डिहाइड और एसीटोन। अब इसका रिएक्शन करा देते हैं हम लोग आसानी से, किससे कराना है हम लोग को,
तो एन ए एच एस ओ थ्री, एन ए एच एस ओ थ्री क्या जब बनेगा, हम लोग को मालूम है इधर मैकेनिज्म से मालूम है क्या बनेगा, तो ये सी एच थ्री इधर रहेगा, देखें इधर, फिर इधर ओ एच, इधर एच, और यहाँ पे क्या बन जाएगा एस ओ थ्री एन, यहाँ पे क्या बन जाएगा इसको भी देख ले हम लोग, सी एच थ्री ओ एच एस ओ थ्री एन ए और इधर सी एच थ्री, ये दोनों का दोनों बन गया हम लोग का क्या, कार्बोनिल कंपाउंड। अब कार्बोनिल कंपाउंड में ये दोनों का दोनों व्हाइट क्रिस्टल देगा, बोथ कार्बोनिल कंपाउंड गिव व्हाइट क्रिस्टल, व्हाइट क्रिस्टल विथ एन ए एच एस ओ, यानी दोनों के दोनों कंपाउंड व्हाइट क्रिस्टल दिए हैं, तो ये हम लोग समझ गए। यहां से तो एक लाइन लिखना पड़ेगा ना हम लोग को, कार्बोनिल कंपाउंड क्या देता है, व्हाइट क्रिस्टल, जिसके कारण इसका इस्तेमाल हम लोग सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन में करते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं हम लोग इसका, कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड गिव गिव व्हाइट क्रिस्टल विथ एन ए एच एस ओ थ्री, सो सो रिएक्शन ऑफ एन एच ओ एच एस ओ थ्री इज यूज इन सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन, सेपरेशन एंड प्यूरिफिकेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड्स। तो किसमें इस्तेमाल होता है, कार्बोनिल कंपाउंड्स के सेपरेशन एंड उसके प्यूरिफिकेशन, दो कंपाउंड का नाम लिखना जरूरी होता है, एक बेंजल्डिहाइड, याद रखेंगे बेंजो हेनॉन एंड एसीटो फेनॉन, ये आप लोग को दिख रहा होगा थोड़ा देख ले, बेंजो फेनॉन एंड एसीटो फेनॉन डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ एन ए एच एस ओ थ्री। अब इसी पे एक क्वेश्चन बन जाएगा कि कौन एसिटोफेनॉन और बेंजल्डिहाइड को दिक्कत करता है, यानी ये वाला यहाँ पे जो लिखा है इधर भी लिख सकते हैं, रिएक्ट विथ, डू नॉट रिएक्ट विथ एन एच एस ओ थ्री, एन ए एच एस ओ, ये लिख सकते हैं। तो इसको लिखिए, इस पे एक क्वेश्चन कर लिया जाए, फिर हम लोग वाटर से चलेंगे, ये कम से कम आप लोग लिख लें, इसको हटाते हैं हम, फिर हम लोग रिएक्शन भी तो वाटर चलेंगे, पहले इसको हटा, एक क्वेश्चन कर लिया जाए, आप स्क्रीनशॉट ले लें या मेरे साथ लिख रहे हो तो लिख लें। क्वेश्चन कर लिया जाए, क्वेश्चन द रिएजेंट यूज
इन सेपरेशन ऑफ एसिटाल्डिहाइड एंड एसिटोफेनॉल या बेंजोफेनॉल। ऑप्शन ए I2+ NaOH, ऑप्शन बी pH NH NH2, ऑप्शन सी NH2OH और ऑप्शन डी NaHSO3। तो इसमें ऑप्शन आप लोग को मालूम होगा, सिर्फ यही क्या कर सकता है, एसिटाल्डिहाइड और एसिटोफेनॉल या बेंजोफेनॉल, बेंजोफेनॉल कर सकता है ऑप्शन में। अब हम लोग इसका नेक्स्ट चलते हैं, रिएक्शन विथ वाटर। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लें या आप लोग लिखें इसको मेरे साथ।